हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं सीबीएसई क्लास 10 का चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके, तो अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि हम अपने सराउंडिंग के सारी चीजें कैसे देख सकते हैं। तो बहुत लोगों का जवाब होगा आंख से देख सकते हैं। ओके, आंख से देख सकते हैं। तो एक और चीज मैं पूछ रहा हूं, सपोज मैं इस रूम का लाइट ऑफ कर देता हूं तो क्या होगा? तुम लोगों को मैं देखूंगा, क्या ये बोर्ड दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि लाइट्स ऑफ कर दी, लाइट ऑन करने पर वापस दिखेगा। तो इससे एक चीज पता चलती है हमें कि लाइट, कोई चीज देखने के लिए, ऑब्जेक्ट देखने के लिए, सराउंडिंग देखने के लिए लाइट काफी नेसेसरी है, लाइट इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें देखने में मदद करती है। ठीक है, तो इसके पीछे का फिजिक्स क्या है, लाइट कैसे देख पा रहे हैं, तो इसके पीछे फिजिक्स है, वो पढ़ेंगे हम आज के इस चैप्टर में हम लोग। तो इस चैप्टर में दो टॉपिक मेन है, उसके हम लोग सराउंडिंग स्टडी करेंगे। पहला है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सेकेंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दोनों वर्ड काफी सिमिलर है, कंफ्यूज मत होना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो हम लोग पहला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाद में आएगा टॉपिक। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? तो हम लोगों को मालूम है कि कोई भी पॉलिश सरफेस, ठीक है, पॉलिश सरफेस जैसे कि मिरर, अगर उस पर कोई लाइट गिरता है, इंसिडेंट होता है, ये हो गया लाइट इंसिडेंट हो रहा है, मतलब इसे फॉल हो रहा है, लाइट गिर रहा है, तो वापस से वो रिफ्लेक्ट भी होगा। ठीक है, तो इस रे को हम लोग कहेंगे इंसिडेंट रे, इस रे को कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। किसी भी पॉलिश्ड सरफेस पे जैसे कि मिरर पे कोई लाइट गिरता है, इंसिडेंट होता है, तो रिफ्लेक्ट भी होता है। समझ में आ रहा है? किस पर? सिर्फ पॉलिश्ड सरफेस पे, उसका बेस्ट एग्जांपल है मिरर। ठीक है, तो इस पे लाइट गिरेगा, इंसिडेंट होगा, तो रिफ्लेक्ट भी होगा। तो ये जो रेज ऑफ लाइट है बाउंस बैक ना, ये गिर रही है, वापस से जा रही है, तो इस चीज को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इस चीज को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इधर पे हमने कुछ लॉज पढ़े थे। तो पहला लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये इंसिडेंट रे, इससे पहले इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एक परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ करता हूं मैं। ठीक है, इसे कहेंगे नॉर्मल, ये है नॉर्मल। ओके, परपेंडिकुलर ड्रॉ है किस पॉइंट पे, जिधर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, जिधर पे ये लाइट गिर रहा है ना और उधर से रिफ्लेक्ट हो रहा है, इस पॉइंट के परपेंडिकुलर एक जो लाइन ड्रॉ करते हैं उसे कहते हैं नॉर्मल। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे बनता है, इंसिडेंट रे से बनता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे बनेगा, इंसिडेंट रे और ये जो नॉर्मल है उसके बीच का, इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल के बीच का जो एंगल रहता है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसे आई से डिनोट करते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे बनता है, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल से, ठीक है, इसे स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो पहला लॉ कह रहा है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होते हैं। समझ में? नेक्स्ट सेकेंड लॉ है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर लाय ऑन सेम प्लेन। देखो इधर पे इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन पर है, ये मिरर है देखो, एक ही प्लेन पर है, एक ही साथ है वो, तो ये सेकेंड लॉ है। समझ में आया इतना? तो ये काफी इजी सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर गिर के वापस से जाता है, रिफ्लेक्ट होता है, उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर ही हम लोग कई टॉपिक पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आगे आएगा। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में नेक्स्ट स्फेरिकल मिरर। ओके, स्फेरिकल मिरर, अब ऐसा मिरर जो स्पीयर शेप के फॉर्म में हो, ठीक है, तो ये नाम से पता चल रहा है। तो मिरर को इधर पे डेफिनेशन मैंने शॉर्ट में लिख रखा है, स्फेरिकल मिरर, मिरर का डेफिनेशन, पार्ट ऑफ ए स्पीयर, ये स्पीयर का पार्ट होता है, जैसे कि एक ये स्पीयर है, ठीक है, सपोज मैं इसको कट करता हूं, इधर से कट करके देखो ये पार्ट क्या मिला, ये पार्ट मिला ना, ठीक है, ये पार्ट हमारा क्या होगा, स्फेरिकल मिरर होगा, या फिर इसको मैं इधर से कट करता हूं तो ये कुछ पार्ट मिला, ये तो ये हमारा क्या होगा, स्फेरिकल मिरर होगा। ये क्या है, स्पीयर का एक पार्ट है, इसलिए स्फेरिकल मिरर को हम बोल सकते हैं पार्ट ऑफ ए स्पीयर। अब स्फेरिकल मिरर के दो टाइप होते हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स, कॉनकेव कॉन्वेक्स, दो टाइप याद रखने, कंफ्यूज मत होना इसमें। कॉनकेव, कॉनकेव मिरर क्या है, सिल्वर इनसाइड ऑन, सिल्वर ऑन द इनसाइड ऑफ द स्पीयर, ये जो
कॉन्केव मिरर क्या होता है, स्पीयर है उसके अंदर, देखो अंदर साइड में दिख रहा है, स्पीयर के अंदर साइड में जो सिल्वर कलर, सिल्वर से कोट किया जाता है, ठीक है, सिल्वर रहता है, उसे कहते हैं कॉन्केव मिरर। एंड कॉन्वेक्स क्या होता है, मतलब इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, देखो ये स्पीयर है उसके अंदर के साइड में कोट है, अंदर के साइड में कोट है सिल्वर से, उसे हम लोग कहेंगे कॉन्केव, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स क्या है, सिल्वर ऑन द आउटसाइड ऑफ द स्पीयर, देखो ये स्पीयर के आउटसाइड पे सिल्वर रहेगा, इधर सिल्वर रहेगा, समझ में आ रहा है, ठीक है, इधर सिल्वर रहेगा, इसे कहेंगे कॉन्वेक्स। तो कॉन्केव कॉन्वेक्स इस चीज में कंफ्यूज मत होना, ये है कॉन्केव, ऐसा रहता है देखो अंदर, मतलब स्मूथ रहेगा अंदर, और कॉन्वेक्स में इधर स्मूथ रहेगा, ठीक है, समझ में आ रही है। नेक्स्ट हम स्पेरिकल मिरर के कुछ टर्म्स देखते हैं, कुछ टर्म्स हमें मानना जानना जरूरी है, ठीक है। तो टर्म्स ऑफ स्पेरिकल मिरर, फर्स्ट है पोल, ठीक है, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस एंड प्रिंसिपल प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस है, ओके, ये सारे कुछ जानना जरूरी है, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये कॉन्केव मिरर है, ठीक है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये अंदर की तरफ, ओके, मैंने कहा था सिल्वर इनसाइड कॉन्केव होता है, सिल्वर आउटसाइड कॉन्वेक्स होता है, कॉन्केव मिरर है, देखो अंदर की तरफ स्मूथ सरफेस है। तो पहला पोल क्या होता है, देखो पोल क्या है, सेंटर ऑफ ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये, ठीक है, तो उसका सेंटर जो होता है वो होता है पोल, इसे पी से डिनोट करते हैं, तो ये क्या होगा पोल, ठीक है, पी, इस पॉइंट पर नाम देंगे पी, ठीक है, पोल। थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाता हूं, पी, ओके। नाउ नेक्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसको सी से डिनोट करते, इसका डेफिनेशन क्या है, सेंटर ऑफ ए स्पीयर of which the mirror is a part। तो मैंने कहा ये spherical mirror एक स्पीयर का पार्ट होगा, स्टार्टिंग बताया था, लेट एक स्पीयर में ड्रॉ करता हूं ऐसा, ठीक है, ये स्पीयर का पार्ट है ना स्पेरिकल मिरर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ ए स्पीयर, तो इस स्पीयर का सेंटर होता है सेंटर ऑफ ए कर्वेचर, ठीक है, वो हम स्पीयर बनाना नहीं पड़ता, लेट मैं तुमको समझाने के लिए बता रहा हूं, ये जो मिरर है वो स्पीयर का पार्ट है, एक हिस्सा है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ ए स्पीयर, ये स्पीयर का सेंटर है, इसे सी से डिनोट करते हैं, ठीक है, समझ में, सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ रेडियस ऑफ ए कर्वेचर, रेडियस ऑफ ए स्पीयर विच द मिरर इज ए पार्ट, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, स्पीयर का रेडियस, स्पीयर का रेडियस, तो मैं सेंटर को और इधर ज्वाइन कर दूंगा तो ये रेडियस कहलाएगा ना, ठीक है, तो इस पोर्शन को जो लाइन पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइंट करता है उसे हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ ए, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, समझ में आ रहा है, रेडियस ऑफ ए स्पीयर, स्पीयर का रेडियस को रेडियस ऑफ ए कर्वेचर बोलते हैं, या फिर तुम लोग ऐसे भी याद रख सकते हो, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। नाउ नाउ प्रिंसिपल एक्सिस, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ ए कर्वेचर, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ ए कर्वेचर, ठीक है, तो ये जो लाइन है ना इसको एक्सटेंड करते हैं, ओके, इस लाइन को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, इसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर रिफ्लेक्टेड रेज मेट। अब समझो इस प्रिंसिपल एक्सिस को ना इंसिडेंट रे, हमेशा याद रखना इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होती है, सपोज एक इंसिडेंट रे जा रही, ठीक है, इंसिडेंट रे है वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होगी, ये भी एक इंसिडेंट रे जा रही, ठीक है। अब देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकराने के बाद फॉल होने के बाद वो रिफ्लेक्ट होंगी ऐसे, ठीक है, और ये भी ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, समझ में आ रहा है, ऐसे बहुत सारी लाइन जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे टकराएंगे, समझ में आ रहा है, ऐसे बहुत सारी लाइन जाएंगे, ऐसे टकराएंगे, जो जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पे मीट हो रही है, जिस पॉइंट पे सारे ये जो कॉमन पॉइंट है, इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस, इसे स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, समझ में आ रहा है प्रिंसिपल फोकस क्या है, पहली चीज प्रिंसिपल एक्सिस को, ये प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रहता है इंसिडेंट रे हमेशा, फिर
रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे रिफ्लेक्ट होने यार ऐसे रिफ्लेक्टेड रे आते हैं, रिफ्लेक्टेड रे आते हैं, तो सारे रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पे मीट होते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पर, देखो ये पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पर है, तो प्रिंसिपल एक्सिस पर जिस पॉइंट पे मीट हो रहे उसे कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। समझ में आ रही कुछ टर्म्स है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है।